दोस्तों, आधार कार्ड अपडेट करने का आज आखिरी दिन है। अभी तक आपने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। आज के बाद अपने आधार कार्ड को अपडेट करती हैं तो आपको कुछ चार्ज पे करना होगा। आधार कार्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अपडेट किया जाता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप कैसे चेक करोगे, कैसे पता करोगे कि आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है या नहीं। तो दोस्तों, यहां पर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि आपने आधार कार्ड बनवाया है, जब से आपने आधार कार्ड बनवाया है उसके बाद से 10 साल के बीच में अगर आपने उसमें कोई भी करप्शन नहीं किया है तो आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। अगर आपने उसमें कोई भी करप्शन कर दिए हैं, जैसे नेम, जेंडर, एड्रेस या तो कोई भी अपडेट कर दिए हैं, तो आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको थोड़ा और सरल भाषा में हम लोग समझते हैं कि मान लो आपने 2013 में अपना आधार कार्ड बनवाया है और 2023 अभी चल रहा है, यानी कि 2013 से 2023 के बीच में अगर आपने अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करा दिए हैं, कोई भी नेम, एड्रेस, जेंडर या तो एड्रेस कोई भी आपने अपडेट करा दिया, करप्शन कराया, तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 2013 से 2023 के बीच में सिर्फ आधार कार्ड बनवा के उसमें कोई भी अपडेट नहीं कराए, कोई भी करप्शन नहीं कराए हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। तो आप कैसे चेक करोगे, कैसे पता करोगे कि आपका आधार कार्ड कब का बना हुआ है, उसमें करप्शन हुआ है या नहीं? तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रोसेस करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे पता करोगे कि आपके आधार कार्ड में अपडेट हुआ है या नहीं अपडेट हुआ है, कितने दिन का आपका आधार कार्ड बना हुआ है, कौन से डेट का आधार कार्ड बना हुआ, सारा डिटेल्स आप यहीं से पता कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करती हैं। तो आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें आपको टाइप करना है UIDAI, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया था, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे माई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर देना, एक कैप्चा जैसा लिखा है उसी तरह कैप्चा को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। सेंट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेंट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। जैसे मेरे पास OTP आ गया, मैं OTP को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इंटर OTP में पेस्ट कर देता हूँ, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे माई आधार के पोर्टल पे सक्सेसफुल लॉगिन हो गया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं 14/9/2023, यानी कि आज के दिन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि अगर आप चाहे तो अपने आधार कार्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप कैसे पता करोगे कि आपका आधार कार्ड कब का बना हुआ है और उसमें अपडेट कुछ हुआ है या नहीं हुआ, उसको पता करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा आधार अपडेट हिस्ट्री, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक योर आधार अपडेट हिस्ट्री, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल आ जाना, पूरा सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पर जितनी बार अपडेट आपने किया है यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। और आप में यहाँ पे देखने को, जैसे मेरे केस में जब से मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड बनवाया है यहाँ पे आपको डेट हमको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे न्यू भी आपको देखने को मिल जाएगी। और जितनी बार आपने अपने आधार कार्ड को अपडेट करा है यहाँ पे आपको सारा कुछ आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, नेम या तो DOB जो भी आप अपडेट कराएँ पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, एड्रेस वड्रेस जो भी आप अपडेट कराए हैं यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कब का बना है, उसमें अपडेट हुआ है या नहीं, यानी कि 2013 से 2023 के बीच में अगर आपका आधार बन गया है उसमें आपने अभी तक कोई अपडेट नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लीजिए। और 2013 से 2023 के बीच में अगर आपने उसमें अपडेट कोई भी अपडेट कराए हैं तो आपको अपडेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कई बार अपडेट करा चुका हूँ तो हमको यहाँ पे अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप पता कर सकती हैं कि आपका आधार कार्ड कब का बना है, उसमें अपडेट कराना है या नहीं कराना है, आप इस तरह से चेक कर सकती हैं। तो आई होप दोस्तों को वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए चैनल पर।